हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था उनका रिजल्ट यानी आंसर की दे दिया गया है। आप लोग अपना अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, बट यहां सवाल उठता है कि अगर जेएसएससी के द्वारा जो है जारी किया है क्वेश्चन आंसर की जारी किया है, बट वो जो है ओएमआरशीट क्यों नहीं जारी किया, यानी क्यों नहीं दिया। सभी को देना चाहिए था ओएमआरशीट, बट क्यों नहीं दिया, इनको देना चाहिए था कि नहीं चाहिए। आप लोग यस या नो करके ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इनका जो है ओएमआरशीट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सवाल यहाँ उठता है कि अगर आप आंसर क्वेश्चन आंसर जारी कर देते हैं या आंसर की दे देते हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, कितने ऐसे टीचर या जो भी सभी को शिक्षक ही हैं, सभी को इतने कितने ऐसे शिक्षक होंगे या ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उनका 150 का 150 क्वेश्चन मालूम है, मीन्स उसको याद है, साथ ही जो ऑप्शन जो टिक लगाए हैं वो भी याद है। किसी का ऐसा है संभव नहीं हो सकता है, 150 का 150 क्वेश्चन कभी नहीं याद हो सकता है, ना जो टिक मारे हैं या जो लगाए हैं टिक उनका भी आंसर याद नहीं हो सकता है। इसलिए जेएसएससी ने ये एक ही यहाँ पे अगर हम लोग बोला जाए तो ओएमआरशीट ज़रूर इनको जारी कर देना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट या जो टीचर्स हैं जो बनने वाले हैं उन लोगों का तो कॉन्फिडेंस बन जाता कि मेरा कितना सही गया कितना गलत गया ये चीज़। तो आप लोग को यही कहने का आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं इनका जो है सारे आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आंसर की के साथ में। थैंक यू।